गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने वीडियो में और लाइव क्लास में नंदिनी का चैप्टर 6 पढ़ा था, और जिसमें कि राजा जनक को महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्मा का ज्ञान कराया जाता है। इस चैप्टर में मैंने आपको कठिन शब्द, शब्द अर्थ और पेंसिल से एक्सरसाइज फिल करने के लिए दी थी, और लाइव क्लास में मैंने आपका अभ्यास कार्य मैच भी कराया था और पेन से फिल करने के लिए भी बोला था। अब ये वीडियो मैं दोबारा से आपके लिए भेज रही हूँ, ताकि जिन बच्चों ने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की है, वो अपनी इस वर्क को कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में हमारा जो प्रश्न है वो है, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। इसमें है पहला, राजर्षि जनक ने महाज्ञानी याज्ञवल्क्य के आश्रम में पहुंचकर उनकी, यहाँ पर बेटा चैप्टर में पर्णकुटी दिया हुआ है, तो पर्णकुटी और कुटिया का अर्थ एक ही है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, पर्णकुटी में प्रवेश किया या कुटिया में प्रवेश किया। ख, मुनिवर ने सिर उठाकर नेत्रोन्मीलन किया। ग, आप तो अधीत वेद हैं, सभी वेदों का ज्ञान आपको हो गया है। घ, यह सब आपकी कृपा का ही प्रसाद है देव। स्वप्न में यह आत्मा जो कुछ देखता भोगता है उसका कुछ भी लेकर बाहर नहीं आता। अब आगे है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें पहला है क, राजर्षि जनक ने किसको प्रणाम किया? सही उत्तर आएगा याज्ञवल्क्य को। ख, ब्रह्मवादी कौन था? सही उत्तर आएगा इसमें जनक। ग, जनक किसके उपदेश में खो गए? सही उत्तर आएगा याज्ञवल्क्य। घ, याज्ञवल्क्य ने नदी के किस जीव की उपमा दी? आएगा उत्तर बेल। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। सबसे पहला क है इसमें आयुष्मान भव, लंबी आयु का आशीर्वाद। ख, समाहित चित, लिखेंगे चित में समाया। ग, ब्रह्मवादी, लिखेंगे आप इसका अर्थ सर्वव्यापक आत्मा। घ, अधीत वेद, सही अर्थ है इसका वेदों का ज्ञाता। प्रबुद्धता, प्रबुद्धता का अर्थ है ज्ञानी। च, विचार मग्न, विचारों में डूबा या डूबना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, जनक, जनक का अर्थ होता है पिता, और जननी इसका अर्थ लिखेंगे माता। ख, बैठना, विलोम लिखेंगे इसका उठना। कुटी, महल, रुकना, चलना। प्रवेश, निकास, साफ, गंदा। निश्चिंत, अनिश्चिंत। व्यथित, सुखी। पूछना, जवाब देना। परलोक, लोक। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अभिन्न, तो इसमें आ जाएगा अभिन्न। संग्राम, लिखेंगे आप संग्राम। मूर्त, इसको सही रूप में लिखेंगे मूर्त। आयुष्मान, आयुष्मान,
इसको आप लिखोगे आयुष्मान। प्रसाद, इसे आप करेंगे प्रसाद। अब है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बेटा ये शब्द आपके दिए हुए हैं और इन शब्दों से वाक्य अपने आप आपको बनाने हैं। तो ये चैप्टर इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है और आपको ये वर्क पेन से अपनी बुक में ही फिल करना है।